आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। यह है मेरे पास हीरो कंपनी का स्प्लेंडर प्लस BS4 बाइक है। जैसा कि इस बाइक का आप लोग देख रहे हैं, फ्यूल टैंक ओपन कर लें, लेफ्ट राइट का पैनल ओपन किया, सीट वगैरह ओपन कर लें, और इस बाइक में ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि आप लोगों को बता रहा, आप लोग वीडियो में अंत तक मिलेगा, ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी आ सकता है। बट इस बाइक का जैसे ही बाइक को वॉशिंग करवाते हैं, पानी में जाता है जब बारिश हो, उस टाइम बाइक जो है पानी में जाने का, जैसे कि सड़क पर गड्ढा में पानी रहता है, गड्ढा में जैसे जाता है तैसे बाइक बंद हो रहा है, या फिर वॉशिंग करवा दीजिएगा तो आधे घंटा तक बाइक स्टार्ट नहीं हो, जब तक प्रॉपर अच्छा से सूख नहीं जाता है। तब आप लोग सोच रहे हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होगा, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप बतलाएंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक, में वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। उसके बाद आप लोग का लाइव प्रूफ के लिए बतलाएंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है हीरो, ये स्प्लेंडर प्लस BS4 बाइक है। प्लग चेकअप कर ले, प्लग प्रॉपर सही है। उसके बाद बात करें प्लग अडेप्टर चेकअप करे थे, प्लग अडेप्टर भी सही था। उसके बाद यहाँ पर जैसे करंट चेकअप किए, करंट वॉशिंग से पहले प्रॉपर सही है, लेकिन जैसे ही बाइक को वॉशिंग करवा देते हैं तो करंट आना बिल्कुल कम हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो प्लग, ये जो HD कॉयल लगा है, जो इग्निशन कॉयल, इसका करंट जो है लीकेज करने लगता है रास्ते में। इसके लेकर बाइक वॉशिंग के बाद या फिर पानी में जाने के बाद करंट लीक कर रहा है, इसके प्रॉब्लम से बाइक में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आ गया है। अब आपको लाइव प्रूफ थोड़ा हम करंट को चेकअप करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर वायर को पकड़े हैं, हाथ में भी करंट लग रहा है यार, देखिए, यानी कि ये वायर जो है ना लीक कर गया। उसके बाद यहाँ पे करंट बिल्कुल कम आ रहा है, जबकि इसके यहाँ पे इतना पर चेकअप करेंगे तो भी यहाँ से करंट जो है काफ़ी लंबा आएगा, लेकिन अभी गाड़ी भींगा हुआ है और यहाँ पे पका रहा है, यहाँ पे भी करंट लग रहा है, जबकि यहाँ पे करंट नहीं आना चाहिए। यही है बाइक का HD कॉयल, जिसको हम इग्निशन कॉयल बोलते हैं। और यही देखिए प्लग का ये सर्विस वायर जो है, ये वायर कहीं ना कहीं लीकेज कर गया और इसके प्रॉब्लम से HD कॉयल भी शॉर्ट कर रहा है, ख़राब हो गया। तभी हम क्या करेंगे, बाइक में फटाफट से HD कॉयल, जिसको हम इग्निशन कॉयल बोलते हैं, इग्निशन कॉयल को रिप्लेस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे कि वायर पकड़ के यहाँ चेकअप करे थे करंट को, यहाँ भी करंट आ रहा था। कहीं पे भी वायर को पकड़ के ऐसे करंट चेकअप करते तुरंत ये करंट हाथ में ही करंट आने लगता है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड देखिए पुराना HD कॉयल खोल कर हमने साइड कर लिए, और हीरो का न्यू ये HD कॉयल है, जिसको हम इग्निशन कॉयल बोलते हैं। इसका प्राइस का बात करें 275 रुपया लिखा है इस पर प्राइस, लेकिन 2022 का है, अभी 2023 आ गया है, 325 रुपया इसका प्राइस हुआ होगा अभी, जो 2023 का है। अगर इसका पार्ट नंबर का बात करें तो ऊपर में आपको पार्ट नंबर दिख रहा होगा। ये स्प्लेंडर BS4 है, BS3 है, पैशन प्रो BS3 है, BS4 एंड सभी में एक ही HD कॉयल प्रॉपर फिट हो जाएगा। आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। चलिए इस कॉयल को हम फटाफट यहाँ से बाहर निकाल लेते, और देखिए यही वो HD कॉयल है, इग्निशन कॉयल है। चलिए इसको सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद बाइक को स्टार्ट करके दिखलाएंगे। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे प्लग के पास पानी डाल करके भी दिखलाएंगे, ऊपर से पानी डाल के दिखलाएंगे कि पानी डालने के बाद पुराने जैसे यहाँ पे करंट आ रहा है या नहीं, क्योंकि पुराने HD कॉयल में जैसे पानी डालते थे टोटल वायर में यहाँ पे करंट आ रहा था। उसके तो फ्रेंड्स देखिए HD कॉयल का उन्होंने परफेक्ट यहाँ पे सेटिंग है। अब चलिए चलते हैं बाइक के उस तरफ, और आपको करंट दिखला रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको हम करंट दिखला रहे हैं, कितना लंबा करंट आ रहा है, थोड़ा किक दबाइए। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे करंट प्रॉपर आ रहा है, अभी बाइक स्टार्ट है हमारा, बाइक स्टार्ट है, करंट भी अभी प्रॉपर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमने हाथ से पकड़ रखे, बाइक स्टार्ट है, अभी भी करंट यहाँ पे नहीं आ रहा है। पहले क्या, जैसे ही कहीं पे स्पार्क प्लग वाले वायर को हाथ से दबाते थे ऊपर में बिल्कुल करंट लग रहा था, झनझनाहट का हाथ में महसूस हो, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है और बाइक एक किक में स्टार्ट हो रहा है। अब चलिए हम नया प्लग अडेप्टर डाल करके देखते हैं पानी डाल के कि बाइक बंद हो रहा है नहीं, कहीं पे भी यहाँ बिल्कुल भी करंट का महसूस नहीं है। पहले क्या था, जैसे बाइक भींग जाता था करंट यहाँ पे लगने लगता। प्रूफ के तौर पे बात करें यहाँ पे आपको हम आप पानी डाल के दिखला रहे हैं, पानी डाल रहे हैं यहाँ पे, देखिए बाइक अभी स्टार्ट, अब बिल्कुल भी बंद, प्लग के पास कितना भी पानी डाल रहे हैं अब बाइक बंद रहे। इससे पहले थे जैसे यहाँ पे पानी डाला था बाइक बंद हो रहा था, यानी वॉशिंग होकर आया था बाइक बंद हो रहा है। अब यहाँ पे कितना भी पानी डाल रहे हैं, देखिए अब वायर को यहाँ पे टच कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, देखिए वायर को टच कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, बाइक हमारा देखिए प्रॉपर स्टार्ट है, नहीं कि बाइक बंद है। देखिए थोड़ा टोटल दीजिए, तो देखिए बाइक हमारा प्रॉपर स्टार्ट है। देखिए आप देखिए, अगर आपको भी बाइक में पानी में जाने के बाइक में पानी में जाने के बाद बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, वॉशिंग कराने के बाद बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, उस टाइम आप एक बार करंट जरूर चेकअप करें कि भींगने के बाद करंट नहीं कम रहा है। अगर करंट कम रहा है तो HD कॉयल को चेकअप कीजिए। उसके बाद HD कॉयल तक करंट प्रॉपर सही आ रहा है, यहाँ पर करंट वगैरह कुछ नहीं कर रहा है, उस टाइम आप प्लग अडेप्टर डायरेक्ट चेंज कर दीजिए, 80 से 85 रुपये का 100% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एक लाइक करके प्यारा सा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।
चलिए अब हम आपको थोड़ा क्लाइंट से बात करवा रहे हैं। तो यही हमारे क्लाइंट एंड कस्टमर है जो बाइक के लेकर काफ़ी परेशान थे और यही बतलाएँ कि मेरे बारे में कैसे पता लगा और बाइक के लेकर कितना दिन से परेशान थे। जो वॉशिंग करवाते थे, बारिश में जाता था बाइक, या बाइक से कहीं जा रहा अचानक बारिश हुआ, बाइक वहीं उसको मन होता है छोड़ कर चले आए। क्या जी आप कितना दिन से बाइक लेकर परेशान है? लगभग 5-6 महीना से। 5-6 महीना से पूरे आप कितना मैकेनिक के पास गए? 3-4 महीने मैकेनिक के पास गए। 3-4 मैकेनिक के पास गए। उसमें आप कितना खर्च अभी तक कर दिए? कोयल वगैरह कुछ चेंज किए थे? लगभग 2000 से ऊपर। 2000 से ऊपर खर्च कर दिए? खर्च कर दिए। अभी इसमें आपको 300 का समथिंग ये कोयल लगा। देखिए 2000 से ऊपर पैसा खर्च कर दिए, एक भींगने के बाद प्रॉब्लम के, यानी कि बाइक भींगता था तो स्टार्ट नहीं होता था। इसमें प्रॉब्लम था HT कोयल को लेकर। और हमारे बारे में आपको पता कैसे चला? यूट्यूब पर देखे, यूट्यूब पे वीडियो देख के आए हैं। लेकिन यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद ही हमारे बारे में पता चला। और आप लोग भी हमारे वर्कशॉप पे आना चाहते हैं बाइक रिपेयर या सर्विस करवाने के लिए, या बाइक में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आपको 100% सोल्व हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, कहीं आप दूर से आए तो अपॉइंटमेंट लेकर के हमारे वर्कशॉप आए, अन्यथा आपका बाइक का काम नहीं हो पाएगा। और आप कुछ कहना चाहिएगा ऑडियंस के लिए कि हमारे वर्कशॉप आपका सर्विस कैसा लगा? हमारा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर्विस। अच्छा। आपको बाइक में कोई दिक्कत नहीं? अभी नहीं दिक्कत। अभी तो आपको पानी डाल के बाइक को स्टार्ट करके दिखलाए हैं। देखे हैं। पानी डाले बाइक तो बंद नहीं हो रहा अभी था? नहीं हुआ ऐसे, तभी पानी डाले थे तो बाइक बंद हो रहा था, करंट हो रहा था। ये क्लाइंट भी बतला रहे कि पहले पानी डालते तो बाइक बंद हो, लेकिन अभी हम लाइव प्रूफ पानी डाल के दिखलाए बाइक बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा था। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।